अगर जीवन में सफल होना है तो हार के बहाने बनाना छोड़ दो और जीत के रास्ते ढूंढना शुरू कर दो। इस दुनिया में ज़्यादातर लोग सफल ही नहीं होते, जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे लोग बार बार बहाने बनाते हैं। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं भी आज इस काम को कर लेता, अगर मुझे नौकरी मिल गई होती तो मैं भी गाड़ी खरीद लेता, अगर मेरे पास भी अच्छी एजुकेशन होती तो मैं भी आज जॉब कर रहा होता। लोग न जाने ऐसे कितने ही बहाने बनाते रहते हैं। वैसे तो बहाने बनाना आम बात है, ज़्यादातर लोगों की बचपन से ही बहाने बनाने की आदत होती है, लेकिन यही बहाने बनाने की आदत इंसान के जीवन में सक्सेस और फेलियर का निर्णय करती है। कोई व्यक्ति सफल है या असफल, इसका पता भी व्यक्ति द्वारा बनाए गए बहानों से पता चल जाता है। जो व्यक्ति जितने ज़्यादा बहाने बनाता है वह सफलता से उतना ही दूर होता चला जाता है, और जो व्यक्ति जितने कम बहाने बनाता है वह सफलता के उतने ही करीब चला जाता है। आखिरकार इंसान इतने बहाने बनाता क्यों है? इसके 5 बड़े कारण, जिनमें से पहला कारण है अपने काम में असफल होने पर बेइज्जती होने का डर। जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह लोगों के टोंट से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता है। वह अपनी असफलता को छिपाने के लिए दूसरों को जिम्मेदार मानता है। बहाने बनाने का दूसरा कारण, अपनी ही कमियों को छुपाने के लिए। कई बार व्यक्ति अपनी कमियों को छुपाने के लिए बहाने बनाता रहता है, क्योंकि उसे लगता है यदि उसने कोई बहाना नहीं बनाया तो उसकी कमियां सबके सामने आ जाएगी। बहाने बनाने का तीसरा कारण, दूसरों की सहानुभूति पाने के लिए। बहुत से लोग केवल सहानुभूति पाने के लिए बहाने बनाते रहते हैं, ताकि लोग उसके बहाने को उसकी प्रॉब्लम समझ सके। चौथा कारण है बहाने बनाने की आदत हो जाना। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी आदत होती है बहाने बनाना, वे हर काम के लिए नया बहाना तैयार रखते हैं। इसी आदत के कारण वे अपने जीवन में एक भी काम सही से नहीं कर पाते। बहाने बनाने का 5वां कारण, झूठी सफलता पाने के लिए। कुछ लोग झूठी सफलता पाने के लिए घर, ऑफिस व समाज में तरह तरह के बहाने बनाते हैं। बहाने बनाने वाले लोग कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वे अपनी ही एनर्जी को बहाने बनाने में लगा देते हैं। अब बात करते हैं बहानों से होने वाले नुकसान क्या है। बहुत सारे असफल लोग बहाने बनाते मिलेंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं कि इन बहानों से उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इस बात को ध्यान से समझना मेरे दोस्त। जब हम दूसरों के सामने बहाने बनाते हैं तो खुद को ही सफल होने से रोक रहे हैं। हम अपने ही दिमाग को खोखला कर रहे हैं, अपने ही दिमाग से ऐसा काम करवा रहे हैं जो हमारे खिलाफ है। हम जितने ज्यादा बहाने बनाएंगे उतने ही हमारे मन को खुद के खिलाफ काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आखिरकार इस बहाने बनाने वाली आदत को जीवन से कैसे दूर करें? यदि आप बहाने बनाते हो तो आपको सबसे पहले यह स्वीकार करना पड़ेगा, यदि आज तक आपको सफलता नहीं मिली तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी लापरवाही, कामचोरी व आलसी जिम्मेदार है। इस बहाने बनाने वाली आदत से छुटकारा पाने के लिए खुद को बदलना तो पड़ेगा। आपको अपने आप पर दया करनी पड़ेगी, खुद के प्रति कठिन होना पड़ेगा, क्योंकि यदि अब भी आप खुद के प्रति कठिन नहीं हुए तो बाद में समय आपके जीवन को कठिन बना देगा। इसके लिए सबसे पहले आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और उस लक्ष्य का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। यदि आप वास्तव में कुछ छोड़ना चाहते हैं तो बहाना बनाना छोड़ो, आलसीपन छोड़ो और सही समय का इंतजार करना छोड़ो। अरे कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद को पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल के तो दिखा। यदि जीवन में सफलता पानी है तो बहाने बनाना छोड़ दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।